नो, नेवर। सत्यव्रत सागर कभी भी अपनी आन बान शान के लिए समझौता नहीं कर सकता। आइंदा फोन करने की जुर्रत मत करना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैनेजर साहब, आइए आइए। मैनेजर साहब, वो रामपुर वाली जमीन का मसला हल हुआ कि नहीं? सॉरी सर, बुड्ढा नहीं मानना। व्हाट डू यू मीन बाय बुड्ढा नहीं मानना? सर वो सर। शट अप। सत्यव्रत सागर को ना सुनने की आदत नहीं है। सर कोशिश जारी है। मिस्टर मैनेजर, हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में आज तक इतनी परेशानी नहीं आई। चाहे वो सागर इंडस्ट्री हो, चाहे वो सागर एंटरप्राइजेस हो, कॉटन मिल हो, शुगर मिल हो, लेकिन इस सागर माइक्रोसॉफ्ट में एक 1.5 बीघे की जमीन सिरदर्द बन गई। अजी आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मिल जाएगी ये 1.5 बीघा जमीन भी। गायत्री, मैं ही चाहता हूँ कि करण के लंदन वापस आने से पहले ये मसला हल हो जाए, क्योंकि सागर माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्री जो है ये करण को ही संभाल लिया। पापा पापा, करण भैया शाम के फ्लाइट से इंडिया आ रहे हैं। क्या? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा करण पूरे 3 साल बाद वापस लौट रहा है जी। काश हम करण के आने से पहले हम ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर पाते। अजी करण आ रहा ना, मेरा बेटा सब संभाल लेगा। आखिर वो MBA करके आ रहे लंदन से। करण जी के आने से देवती जी बहुत खुश होंगे। बिल्कुल सही कहा मैनेजर साहब आपने। हम समझे नहीं। अजी मैं आपको बताना भूल गई कंचन के बारे में। कौन कंचन? अजी रेवती रमन जी की इकलौती लड़की। तो बहुत अच्छी लड़की है कंचन। पढ़ी लिखी संस्कारी है। सुनो जी, मैंने तो जन्म कुंडली भी मिलवा ली, पूरे 34 के 34 गुण मिल रहे हैं। तो जन्म पत्री भी मिल गई और हमें खबर तक नहीं। अजी मैं आपको बताने वाले। मैनेजर ये बात कहाँ से चली? जी रेवती जी ने ही मुझे रिश्ते के लिए बोला था। क्या आपको ये रिश्ता पसंद नहीं है? काश ये सवाल आपने हमसे पहले पूछा होता। सागर खानदान का रिश्तेदार रुतबे वाला होगा, जिसके साथ खड़े होकर हम भी फख्र महसूस कर सके। हाँ, पापा छोटा मुंह बड़ी बात, बोल दू? देखो पीटना मत। हो सकता है वहीं से करण भैया किसी गोरी मैडम के साथ शादी वादी करके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भगवान की बात, अगर मुझे किसी पर विश्वास है तो वो मेरा करण है। तो मैं रेवती भाई साहब से क्या कह दूं? गायत्री, जमीन पर चलने वालों का उनसे क्या मिल जो आसमान पे उड़ा करते हैं। लो ये लो, आ जाओ। आओ भैया आओ। मम्मी देखो मैं आ गया। मम्मी देखो मैं भैया को एयरपोर्ट से लेकर आ गया। मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा लाल, कैसा है रे तू? माँ मैं ठीक हूँ, पलक झपकते ही बीत गए 3 साल। बेटा इस पगली माँ से पूछ, तेरे बिना ये 3 साल कैसे गुजारे मेरे लाल। अरे इस माँ से पूछ। ए करण, पिताजी नमस्ते। मेरा सेन, मेरा बच्चा है? कैसा है? मैं ठीक हूँ पिताजी। देखा है इसके चेहरे की चमक, देखी? लगता है 3 साल तक बहुत मेहनत की है। शाबाश, ऐसे ही करना। शाबाश। अब मैं भी जाऊंगा जल्दी से जल्दी हायर स्टडीज के लिए बाहर। अरे क्यों नहीं, इससे बढ़िया पढ़ाऊंगा तुझे। और वो फॉर्म भर दिया था ना तेने? भर दिया। दोनों मेरे बच्चे जो है ना, खूब तरक्की करें, देश का, मेरे खानदान का नाम रोशन करें। शाबाश, फख्र है मेरे को तेरे पे। शाबाश। पापा उस प्रोजेक्ट की क्या पोजीशन है? 10 बीघे जमीन चाहिए थी ना? हाँ, 5-5 बीघे के 2 खेत तो मिल गए हैं, लेकिन लेकिन क्या?
अरे उन 5-5 बीघे के दो खेतों के बीच में 1.5 बीघे की जमीन जो है ना, जी का जंजाल बन रही है। अगर ये 1.5 बीघे जमीन हमें मिल जाए तो हम 11.5 बीघे पे फैक्ट्री बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो पापा एक बार मैं ट्राई करके देखूं। भैया मुझे यही उम्मीद थी आपसे। मैं कल आपको साइट पर ले जाके सारी जमीन दिखा दूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। करण बाबू ये है वो 1.5 बीघा जमीन जो हमने लेनी है। इस जमीन के मालिक का क्या नाम है? जी दामोदर। दामोदर, ठीक है मैनेजर साहब आप जाओ। जी जी हाँ, अगर आप मेरे साथ होगे ना तो कोई भी अंदाजा लगा लेगा कि हम ये जमीन के चक्कर में आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मुझे अपने मुताबिक ये प्रॉब्लम सॉल्व करने दो। ठीक है जी सर। ठीक है। की तरह उछलते फिर रहे हो? कौन हो तुम? ये जामुन तुम फेंक रही थी? हाँ। मुझ पे क्यों फेंकी ये जामुन तुमने? क्यों? क्या हुआ? कहीं खा तो नहीं ली? मतलब? अरे वाह, तू कौन? मैं खामखा? अकेली लड़की देख के हीरोपंती मत दिखावे। अरे क्यों जबरदस्ती गले पड़ रही हो? मैं और तुम्हारे गले? तुम इतने हैंडसम तो नहीं हो। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे जानते हो तुम? तू जानती है मुझे? मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें जानने की? तो मुझे क्या पागल कुत्ते ने खटा रही हो? मैं तुझे जानू? कपड़ों से बाहर होने की जरूरत नहीं है। ओए सुन बच्चू, तू क्या चीज है? अच्छे अच्छे डरते हैं तुलसी से। तेरा नाम तुलसी किसने रखा? तेरा नाम तो मिर्च होना चाहिए, वो भी हरी मिर्च। तेरी तो। अरे तुलसी किसे लड़ रही है? किसी से नहीं पिताजी। अच्छा चल ठीक है, आजा घर जाके खाना बना ले। सुनी क्या ना? जा रही हूँ पिताजी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ इसलिए कह रहा हूँ। रोटी बना ले फिर दवाई खा लूंगा मैं। ठीक है पिताजी, जाती हूँ मैं। ठीक है जा। बच्चों तुझे तो मैं देख लेती, वो तो पिताजी ने आवाज दे दी, तेरी अच्छे से क्लास लगा देती मैं। कौन हो बेटा? मैं करण हूँ। करण? अच्छा ये तो से तुमसे लड़ाई थी? जी। चलो आओ। अरे बेटा मैं चप्पल पहन लूँ? चल आ जा। ठीक
ठीक है, चल पेड़ के नीचे बैठते हैं, वहाँ बात करें। हाँ बारिश आ रही है, कोई बात नहीं, बैठो। ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ आराम से बैठो लोटा। अच्छा तो तुम्हारा नाम करण है? जी हाँ, मेरा नाम करण है। बेटा मेरी बेटी की किसी भी बात का बुरा मत मानना। जी नहीं, जरा बचपना है उसमें। जी जी। खैर छोड़ो, अब तुम ये बताओ कि तुम यहाँ घूम क्यों रहे थे? मुझे रामपुर में एक आदमी की तलाश है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। क्यों नहीं, तुम नाम बताओ उसका। दामोदर, दामोदर नाम है उसका। दामोदर, आप तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे उसे। क्या काम है उससे? अगर आप मदद करें तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। हाँ अगर मदद करने वाली बात होगी तो जरूर करूंगा, वादा। कहीं तुम उसकी 1.5 बीघा जमीन के बारे में तो बात नहीं कर रहे? हाँ उसी के बारे में बात करनी थी। पर वो अपनी जमीन किसी भी कीमत पे नहीं देगा। देखिए अंकल, अगर आप हमारा काम करवा दें तो हम आपको मालामाल कर देंगे, बस एक बार कोशिश। दामोदर किसी की नहीं मानता। बस एक बार, वो किसी भी कीमत पे नहीं मानेगा। अंकल एक बार आप कोशिश तो करके देखिए। अरे वो किसी भी कीमत पे नहीं मानेगा। यानी आप मेरी मदद नहीं कर सकते? अच्छा एक बार आप दामोदर से मिलवा तो सकते हैं। पर मिलने से कोई फायदा तो नहीं। अंकल एक बार आप मिलवा तो दीजिए। अरे बोला ना, कोई फायदा नहीं होगा। मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। तुम एक नेक दिल इंसान हो इसलिए। तो आप मुझे दामोदर जी से मिलवाना चाह रहे हैं? तो चले। कहाँ? अरे दामोदर जी से मिलने। दामोदर तुम्हारे सामने बैठा है। क्या? हाँ मैं ही दामोदर हूँ। समझ में नहीं आ रहा आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। और मैं भी अपना फैसला पहले ही सुना चुका हूँ। कहीं तुम वो सागर फैक्ट्री वाले उनके बेटे तो नहीं हो? जी हाँ मैं करण सागर हूँ। पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। मैं 3 साल बाद लंदन से पढ़ाई करके लौटा हूँ। तुम्हारी इतनी फैक्ट्रियाँ तो हैं, और कितनी लगाओगे? एक्चुअली ये फैक्ट्री पापा मेरे लिए लगाना चाहते हैं। तुम्हारे लिए? जी मेरे लिए। तो इस बारे में हम कल आराम से बात करेंगे। कल सुबह तुम मेरे घर पे आ जाओ। ठीक है अंकल जी, नमस्ते। नमस्कार। और करण क्या चल रहा है जमीन के सिलसिले में? अभी तक तो ठीक है। देखो करण, हमें वो 1.5 बीघे जमीन हासिल करनी है, बाय हुक बाय क्रुक, धाम दाम दंड भेद, हर कीमत पे हमें वो हासिल करनी है। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। अजी हमारा करण वो जमीन जरूर हासिल करेगा। पापा मम्मी भैया मार लिया मैदान। ओए बंगलोर में हो गया सिलेक्शन? जी पापा, कल ही ट्रेनिंग पे जाना है। वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह मेरा बेटा। वेल डन ईशान। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। बेटा इधर आना। वो दामोदर जी का घर कहां पर है? अच्छा ये यही है।
अरे वो अब तू यहाँ तक आ गया मेरे घर तक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, अभी रुक जा। अरे सुनो तो सही, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे वो अभी बताती हूँ। अरे सुनो तो सही, अभी रुक जा। ए लड़की क्या कर रही है, रुको, क्या कर रही है? पिताजी हाँ? ये यहाँ तक आ गया। चल घर में जा। कौन है ये? इसे मैंने बुलाया, जा पानी लेगा। आओ कोई बात नहीं, आओ अंदर आओ। करण बेटा मेरी बच्ची का बुरा मत मान, वो थोड़ा सा लाड प्यार में ऐसी है। अरे नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं बेटा समझ नहीं उसे थोड़ी सी। पिताजी अब चाय बनाने को मत बोल देना, घर में चीनी पत्ती कुछ भी नहीं है। बस बेटा थोड़ा सा समझ सकते हो। उसको कितनी समझ है आप जानते हो। कोई बात नहीं आप चिंता मत करो। करण बाबू मैंने तुम्हें अपने घर पे इसलिए बुलाया है कि जो बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम ये मत समझना कि मैं बहुत बड़ा लालची हूं, लालच में मैं अपने जमीन का टुकड़ा बेचना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। अंकल मैं वो वजह जानना चाहता हूं। करण बाबू वो डेढ़ बीघे टुकड़े का मसला नहीं है, मसला है मेरी बेटी के मुस्तकबिल का, उसके भविष्य का। ये जो जमाने वाले हैं इनकी नजर मेरे डेढ़ बीघे जमीन के टुकड़े पे नहीं, उससे ज्यादा तो उनकी नजर मेरी बेटी पे है। और मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। मैं बेटा दिन प्रतिदिन घुल रहा हूं, मैं टूट रहा हूं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर। मकसद ये नहीं है कि मैं उस टुकड़े को ज्यादा पैसे लेके बेच दूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब मेरा समय आ जाए। मैं ही चाहता हूं कि इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपनी बेटी के हाथ पीला कर दूं, हाथ पीला कर दूं। बेटा समझदार हो तुम, समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम एक भले आदमी हो। ये बात मैंने इसलिए तुमसे कही, ये बात आज तक मैंने किसे नहीं कही। मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझता हूं करण बाबू। मैं रोज तिल तिल करके मर रहा हूं, मैं इसी चिंता में खुला जा रहा हूं। लेकिन कल जब मैंने आपको देखा तो आपको देखकर मुझे लगा कि आप एक भले आदमी हो। मैं कहता हूं कोई बड़ा मसला नहीं है डेढ़ बीघे जमीन का, आप ले लो। लेकिन कोई आदमी तो ऐसा हो जो मेरी बेटी की खुशी की गारंटी तो ले सके, मेरी बेटी के भविष्य की गारंटी ले सके, ताकि मैं
कम से कम मर तो सुकून से सकूं, मर तो सुकून से सकूं। मैंने तुम्हें कल से देखा है तो तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगा कि मुझे कोई सच्चा आदमी मिला है जो मेरे दुख दर्द को समझ सकता है। इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर पे बुलाया और वो बात जो आज तक मैंने जमाने से अपने सीने में छुपा रखी थी वो बात मैंने आज तुम्हें बताई करण बाबू। मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद मेरा दुख तुम बांट सकते हो, मेरा दुख तुम बांट सकते हो। अंकल आपने अपनी बात तो कह दी, अब मेरी भी सुन लो। सुनाओ। अंकल वो 1.5 बीघा जमीन आप किसी को मत बेचना, और रहा सवाल तुलसी की शादी का, उसका खर्चा सागर ग्रुप उठाएगा, सिर्फ आप लड़के की तैयारी करो। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं? ये सपना नहीं हकीकत है। बेटा भगवान तुम्हें तरक्की दे और तुम्हारी खूब उम्र लगाए। बेटा आज समझता हूं कि भगवान है, तेरा शुक्र है, तू धन्य है भगवान, तू धन्य है, तू धन्य है कि तूने मुझ गरीब पर एक फरिश्ता भेज दिया जो आज मेरी मदद को आया है। तेरा धन्यवाद भगवान, तेरा धन्यवाद। करण नजर नहीं आ रहा। अजी वो बाहर गया है, आ जाना चाहिए अब तक तो उसे। पापा गुड न्यूज है। हैं? क्या तुम उधर मान गया क्या? नहीं अभी वो माना तो नहीं है, लेकिन कल उसने मुझे घर पे बुलाया है। बहुत खास खबर है ये। मगर बेटे उसके घर अकेले मत जाना तुम। जी हाँ, देखो तेरी मम्मी सही कह रही है, ऐसे करना मैनेजर को लेके जाना साथ। हाँ और हाँ एडवांस साथ लेके जाना। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है पापा, कल मैं 50,000 रुपए लेके दियांगो उसे। और मैनेजर साथ जाएगा? जी 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 बिल्कुल। लोग आने ही वाले होंगे। आओ करण बाबू बैठिए। हाँ जी अंकल जी, आपने कैसे याद किया? और सेवा बताइए। सेवा की बात यह है कि मैंने बहुत सोच समझ के यह फैसला किया है कि जो 1.5 बीघा मेरी जमीन है वो मैं आप ही को दूंगा, और कीमत भी जो आपको पसंद हो। अंकल जी ये आपका आखिरी फैसला है? ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया। एक बार तुलसी से भी पूछ लो। बेटा ये फैसला मेरी तुलसी का ही है। मैनेजर साहब। ये 50,000 रुपए हैं, बाकी रजिस्ट्री के बाद जितना आप चाहो उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। आज से अंकल आपकी सारी परेशानी हमारी परेशानी है। अच्छा अंकल।
बेटा इधर आ, लो ये पैसे रख दो। नहीं, अपने पास रख लो पापा। ये बेटा रख दे, अंदर रख दे या संदूक में रख दे। ये पैसे आप अपने पास रखिए। चल ठीक है बेटा, जा तू भी आराम कर ले। तो दामोदर ने एडवांस ले लिया? जी। करण बेटा, जब एडवांस दे दिया तो रजिस्ट्री करने में देर मत करना। हाँ, लोहा गरम है, चोट करने में देरी नहीं करनी चाहिए। जी जी, मैं आज ही मिलता हूँ। पिताजी, 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 क्या हुआ? पिताजी, 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 आपको क्या हुआ? पिताजी, आप लेट जाओ पिताजी, मैं डॉक्टर को बुलाऊं पिताजी। डॉक्टर ने जाना। पिताजी, आप लेट हो। बस पिताजी, आप लो पिताजी, लो लो। लो पिताजी, पिताजी अब तो आराम है आपको। पिताजी, आपको अचानक क्या हुआ पिताजी? एक संगी खांसी कैसे उठ गई पिताजी? अरे भैया कर लो शादी वादी, लड़की वड़की तो देख ही रखी होगी आपने लंदन में। कुछ पागल वागल है क्या? मैं वहाँ पढ़ने गया था या शादी करने गया था? अरे भैया तो वहाँ पे तू तो बस पागल हो गया। भैया शादी वादी करोगे आप जब भी तो हमारा नंबर आएगा, अकेले अकेले तो पढ़ के आ गए हैं लंदन। पिताजी, लो पिताजी, 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 आप पिताजी, आप पिताजी, 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 नहीं पिताजी, 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 पानी, पानी, पिताजी, पिताजी, आप परेशान मत होइए पिताजी, पिताजी, आप परेशान मत। अंकल जी, पिताजी, अंकल जी, अंकल जी, पिताजी, करण बाबू, पिताजी, पिताजी आप परेशान मत होइए पिताजी। तो तुम आ गए करण बाबू, तुम आ गए।
अंकल जी, पिताजी, 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 पिताजी उठो, पिताजी, 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 पिताजी उठो, पिताजी, पिताजी, उठो पिताजी, पिताजी, पिताजी तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, पिताजी, तुम पिताजी उठो ना, पिताजी उठो, बताओ ना पिताजी तुम्हें क्या हुआ पिताजी, 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 पिताजी पिताजी उठो, पिताजी तुम्हें क्या हुआ है, उठो तो सही। अजय सुनो, वो वो आशीर्वाद, मेरा भरोसा तोड़ के आशीर्वाद मांगने आया है। अजी आप नाराज मत हो, प्लीज। अरे पुरखों की मर्यादा का जनाजा निकाल के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुंह दिखाने की? चले जाओ यहाँ से। अजी आपने ही तो कहा था जैसे भी हो वो जमीन का टुकड़ा चाहिए। कहा था लेकिन ये नहीं कहा था कि गली की धूप को सागर खानदान के माथे पे लगा दो। पापा हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे, मैं मजबूर हो गया था। हाँ मजबूरी थी इसके सामने। मजबूरी? पापा मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मत भूलो कि इस कोठी की एक एक ईंट को हमारे पुरखों ने मान मर्यादा में लपेट के रखा, वो मान मर्यादा जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दान में लगा दिया, और तुमने तुमने उस मर्यादा को सरेआम नीलाम कर दिया। अजी बच्चा है, गलती हो गई, माफ कर दो। अरे खानदान की आन बान शान को बनाना जितना मुश्किल होता है ना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है इस आन बान शान को संभाल के रखना। पर अब ये दोनों क्या करें? नहीं जानता, जानता हूं तो सिर्फ इतना कि इस कोठी में वो रहेगा जो खानदान की मर्यादा का पालन कर सके। Oh.
बच्चों। अच्छा माँ, हम चलते हैं। भैया कहाँ है? बेटा। पापा कहाँ है? पापा, भैया कहाँ है? क्या किया आपने? ए, मैंने जो किया है सो समझ के किया है। भैया ने शादी तो करी है, कोई गुनाह थोड़ा ना कर दिया। गुनाह? अरे उसने पुरखों की मान मर्यादा मिट्टी में मिला दी, हैं? उसने गुनाह नहीं किया? नहीं, ये आपने अच्छा नहीं किया पापा। और सुनो इंसान, अगर तुम भी करण के नक्शे कदम पे चले तो इस कोठी के दरवाजे तुम्हारे लिए भी बंद हो सकते हैं। हमारे खानदान की मर्यादा मान सबसे ऊपर है, समझे कि नहीं? मम्मी, आपको जो करना था आपने कर दिया, अब जो करना है मुझे करना है। सुन बेटा सुन, हेलो 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 हेलो, ये देखना आपने देखा है सगाई भाई को? नहीं देखा? भैया देखना जरा, आपने इन्हें भैया को देखा है कहीं? नहीं देखा? छोटू देखना जरा, इन्हें भैया को कहीं देखा है? नहीं देखा? अंकल अंकल, इन्हें देखा भैया को हैं? समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहां जाऊं? बिल्कुल मेरे भैया कहां चले गए, किससे पूछूं, क्या करूं क्या करूं? हे भगवान, मुझे बताओ कहां जाऊं क्या करूं, मेरे भैया कहां चले गए? हे भगवान, भैया भैया देखना जरा, आपने मेरे भैया को कहीं देखा है क्या? क्या करूं क्या करूं?
भाई साहब देखना मेरे भैया को देखा है आपने कहीं? हाँ ये तो मेरे यहाँ किराए पे रहते हैं। देखा है सच में? हाँ भैया प्लीज मुझे मिलवा दो इनसे। चलो मिलवाता हूँ। भैया मेरे भैया मिल रहे, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा भैया, मुझे भैया से मिलवा दो मेरे भैया बिल्कुल। मुझे पता है आप इस कमरे में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप बहुत बड़े घर से हो ना, इसलिए ये सब मेरी वजह से हुआ है, आप मेरी वजह से यहाँ आए हो। ऐसी कोई बात नहीं है, सब किस्मत के खेल हैं। भैया तुलसी इसमें तेरी गलती नहीं है, जो भगवान को मंजूर था हो गया। भैया भैया आपकी हालत कैसे हो गई भैया? ईशान तू यहाँ कैसे? भैया आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा मैंने, मुझे पता चला मैं तुरंत बैंगलोर से घर पे आ गया। भैया भैया अब आप घर चलो, भाभी आप भी घर चलो। नहीं ईशान ऐसा कभी नहीं हो सकता, पिताजी कभी नहीं मानेंगे। बच्चों मेरी बात सुनो, बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ बाप को सख्त कदम उठाना पड़ता है, लेकिन माँ बाप के गुस्से को कभी गलत मत समझना। आप मेरे कहने से घर चले जाओ, हो सकता है हालत बदल जाए। भैया मेरा मन कह रहा है पापा मान जाएंगे, अंकल की बात समझते हुए प्लीज आप घर चल लो। भाभी प्लीज आप मेरा कहना मानो ना मानो, अपने छोटे भाई का कहना मान लो और आप घर चले जाओ। थैंक यू अंकल, आपने इतने कठिन टाइम पे मेरे भैया और भाभी की हेल्प की, मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। बेटे मैंने तो ये इंसानियत के नाते किया है। थैंक यू सो मच अंकल। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। मेरे बच्चे कैसा है बेटा तू? माँ मैं ठीक हूँ। मेरे लाल बेटा ठीक है ना तू? माँ मैं ठीक हूँ, और आप कैसी? कितना कमजोर हो गया मेरा बच्चा, कैसी है मेरी बेटी? मम्मी पापा कहाँ हैं? उधर हैं, आओ। सुनिए जी। तो ईशान आखिर तुमने जुर्रत कर ही ली है? मेरी मर्जी के खिलाफ इन दोनों को क्यों लाए यहां पे? और तुम मां हो ना? ठीक है, लेकिन इस बाप के दिल से पूछो कि क्या गुजरी है मेरे पे। आखिर क्या कहना आप, क्या कहना है तुम लोगों को? पापा मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया था। आज्ञा का पालन किया था, लेकिन गली की धूल को सागर खानदान की बहू बनाने के लिए कब कहा था? कब कहा था? नहीं कहा था, लेकिन उस 1.5 बीघा जमीन को हासिल करने का बीड़ा तो उठाया था, और उसी जमीन के लिए सागर खानदान की इज्जत का वास्ता दिया था या नहीं? साम दाम दंड भेद किसी भी तरह उस जमीन को हासिल करने के लिए आपके बेटे करण ने अपनी खुशियां गिरवी रखी हैं। लेकिन खानदान की इज्जत तो तार तार कर डाली, और दामोदर को दिया हुआ वचन निभाया। मत भूलो, दामोदर ने तब अपनी जमीन देने का वादा किया था जब करण ने तुलसी की जिम्मेदारी उठाने का वादा किया था। हाँ, शायद सागर ग्रुप की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा भी। पापा भैया की मजबूरी समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा एक बात बताइए, इंसान की जिंदगी में सबसे अहम क्या चीज है? तो क्या बच्चों की खुशियाँ कोई मायने नहीं रखती? रखती हैं, बहुत मायने रखती हैं। मगर आप सागर ग्रुप को देश का सबसे बड़ा उद्योग घराना बनाने के लिए अपने बच्चों की खुशियाँ कुर्बान कर बैठे। पापा गलती तो मुझसे भी हुई है, मैं व्यापार को
बुजुर्गों की शान से तोड़ने की गुस्ताखी कर बैठा। पापा मैं गरीब हूँ लेकिन विश्वास दिलाती हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपकी इज्जत पे कोई आ जाए। पापा भैया से गलती हुई है, हो सकता है आगे चल के मुझसे भी कुछ गलती हो जाए, पर हर गलती को एक ही तराजू में तोड़ने की कोशिश मत करिए। पापा हम बच्चे हैं, हम नादान हैं, पर आपको हमारी खुशियों का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना पापा। पहली बार एहसास हो रहा है मैंने अपनी आन बान शान के लिए बच्चों की खुशियां दांव पे लगा। शुक्रिया गायत्री। हुई है मेरे से गलती, सचमुच रुतबा मान मर्यादा ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन बच्चों की खुशियों से बढ़कर कोई चीज नहीं है, कोई चीज। करण बेटे दे दो आशीर्वाद। जीते रहो मेरे बच्चों, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। अरे ईशान तेरा भी बहुत बहुत शुक्रिया है, तू अपने रूठे हुए भैया को मना के लाया है। आज से इस कोठी में फिर से खुशियां मनेंगे। चलो